बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मचारी सुधाकर उरकुड़े ने कल्याणपुर के वीजीएन ज्वेलर्स पर फिक्स डिपॉजिट के नाम पर 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस बारे में उन्होंने कोलसेवाड़ी पुलिस को अर्जी लिखकर वीजीएन ज्वेलर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सुधाकर उरकुड़े ने बताया कि बीएसएनएल से रिटायर होने के बाद उन्होंने वीजीएन ज्वेलर्स में धीरे धीरे कुल 40 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाए थे। सुधाकर का आरोप है कि फिक्स डिपॉजिट की मुद्दत पूरी होने के बाद सोनार अलग अलग बहाने बताकर रुपए देने से टाल रहा है। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से कटे इस मकसद से सुधाकर उरकुड़े ने पैसे डिपॉजिट किए थे, लेकिन वीजीएन ज्वेलर्स ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। इसी विषय में सुधाकर उरकुड़े ने कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में अर्जी देकर सोनार पर मामला दर्ज करने की मांग की है। मी सुधाकर दामोदर उरकुड़े बीएसएनएल मधील निवृत्त कर्मचारी असून माझी विजयन कल्याणपूर यांनी 40 लाख रुपयांची फसवणूक केलेली आहे। मी हे पैसे माझ्या निवृत्तीनंतर गुंतवले होते। करीता सबब तक्रार मी कोलसेवाळी पोलीस स्टेशन कल्याणपूर मध्ये केलेली आहे। माझा उदरनिर्वाह करीता दुसरा कोणताही सोर्स नाही। सदर तक्रार मी विराट गोपाल नायर, सौ वत्सला नायर, मीरा नायर, गोविंद नायर, मुरली नायर, सुजा जयश्री यांच्या विरुद्ध केलेली आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस मामले में राष्ट्र कल्याण पार्टी के अध्यक्ष शैलेश तिवारी ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए विजयन ज्वेलर्स पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आज यहाँ पे हम लोग कल्याणपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आए हैं अभी विजयन के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। हमारे साथ हैं सुधाकर दामोदर उरकुड़े साहब, ये बीएसएनएल में रिटायर हुए हैं। इनके अभी 40 लाख रुपए विजयन के पास है, विजयन ज्वेलर्स के पास। इन्होंने अपना रकम दिया था डबल की इस पे सही करने के लिए। आज वो रकम की राशि पूरी होने के बावजूद भी विजयन उसको मिल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स बराबर नहीं दे रहा है। उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग ने लीगल कंप्लेंट दिया हुआ है और इनका डिमांड है कि विशाल गोपाल नायर, विराट गोपाल नायर, वत्सल्या नायर, मीरा नायर, गोविंद नायर, मुरली नायक और सुजा और जयश्री जी, इन्होंने इनके साथ फसवणूक की है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं यहाँ के साथ और भी विजन से जो ठग हुए उनको लेके आने वाले समय पे वहाँ पे पेंशन पे बैठूंगा। अगर पुलिस ने इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन विजन के बाहर अनशन पे बैठेंगे। जो भी इसकी जवाबदारी की यहाँ पे प्रशासन और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।